आ जाओ बच्चा लोग, जल्दी आ जाओ। शुरू कर रहे हैं बत्रा सर, आज है हमारा 11th वेबिनार। हम ले रहे हैं फ्लोचार्ट सीरीज, 4th लेक्चर बेटा आज हमारा फ्लोचार्ट। अब तक जो आपने पढ़ा वो समझ में आया क्या? श्रद्धा क्या कह रही है? सर इधर तो कंफ्यूजन हो जाती है, लेक्चर स्टार्ट हुए कि नहीं समझ नहीं आता है। समझ में आ जाएगा बेटा, 2-4 बार लगातार आओगे तो सब समझ में आ जाएगा। अच्छा मैं प्रॉपरली आपको ऑडियबल और विजिबल हूं ना? मैं सभी को दिखाई दे रहा हूं, सभी को सुनाई दे रहा हूं, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दो, एम आई ऑडियबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा आज के इस सेशन में। आज है हमारा फ्लोचार्ट सीरीज का 4th सेशन और वैसे हमारा 11th वेबिनार। और ये बेटा वेबिनार हम ले रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे लीडिंग प्लेटफॉर्म copykitab.com पर। मैं कॉपी किताब से भाग्यश्री को कहूंगा कि वो यहाँ पे कॉपी किताब की वेबसाइट, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और हमारे ऐप बत्रा सर के बारे में जानकारी दे दें ताकि हम शुरू कर सकें अपना लेक्चर को। तो भाग्यश्री ओवर टू यू, आप तेजी से इसमें कॉपी किताब के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कॉपी किताब की वेबसाइट और उसके बारे में जानकारी और हमारे ऐप के बारे में जानकारी दे दें सभी को। हम शुरू कर रहे हैं फ्लो चार्ट सीरीज को। सर मैंने फ्लो चार्ट ली है आपकी ऐप से। ओके वेरी गुड, तो श्रद्धा ने ली है फ्लो चार्ट हमारे उससे। चलिए आपको पता है बेटा हमने कब से शुरू किया था इसको? एनीवन क्या जानता है हमने कब से शुरू किया था बेटा? हमारा पहला लेक्चर हुआ था बेटा 15 जून को। वी स्टार्टेड विथ कॉपी किताब ऑन 15 जून, है ना? बहुत ही विजनरी बेटा लोग हैं कॉपी किताब वाले, मिस्टर सुमित वामा एंड मिस्टर अमित सीटीओ, दोनों बेटा कॉपी किताब को रन करते हैं। दे आर यंग एंड डायनामिक पीपल और बत्रा सर उनके साथ एसोसिएटेड होके बेटा आज आपके इस पेंडेमिक टाइम में मदद कर रहे हैं ताकि घर बैठे आपको काफी कुछ मिले बेटा। ये हमारी 11th सीरीज है बेटा वेबिनार की। हमने 15 जून से शुरू किया था और लगातार बेटा बहुत सारी चीजें हमने दी हैं आपको। ये सारी चीजें बेटा इन क्लासेस हो जाने के बाद, लाइव हो जाने के बाद हमें मिलती हैं हमारे चैनल पर प्रोफेसर जीएस बत्रा पर, ठीक है बेटा? भाग्यश्री ने बहुत सारी चीजें बेटा बताई हैं आपको। देखे कॉपी किताब क्या है बेटा, जाने आप सब लोग। 8 मिलियन सब्सक्राइबर का एक लीडिंग एजुकेशन कंपनी है, वर्किंग कर रहा है विद द मोटिव ऑफ मेकिंग एजुकेशन डिजिटली टू रीच ईच ऑफ द स्टूडेंट अक्रॉस पैन इंडिया एंड प्रोवाइड देम बुक्स इन अफोर्डेबल प्राइस। बेटा बुक्स बहुत ही अफोर्डेबल मिलती है, श्रद्धा ने तो ली है, हम एक टूर भी कराएंगे लेटर ऑन आपको, और इजीली एक्सेसिबल मैनर में मिला करती है बेटा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है ये वेबसाइट का हमारे, और आप हमारे ऐप को प्राप्त कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पे बेटा। वहां से आप क्लिक करके बत्रा सर के प्रिपरेशन ऐप को ले लीजिए। फाउंडेशन से लेके फाइनल तक की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, हमारी बुक्स मिलती है बेटा, हमारे लेक्चर्स मिलते हैं वहां पे, हमारे टेस्ट सीरीज मिलती है, बहुत सारा फ्री लेक्चर्स और बहुत सारी फ्री चीजें भी वहां पे अवेलेबल है। तो आप सब लोग बेटा आज जाएं, बत्रा सर ऐप को डाउनलोड करें, बहुत सारी चीजें आपको वहां पे यूज करने के लिए मिल सकती है फ्री फ्री फ्री। तो बत्रा सर इस पेंडेमिक टाइम में बेटा कॉपी किताब के साथ लाए हैं बहुत सारी चीजें। हमने शुरुआत की थी कॉपी किताब के साथ बेटा 15 जून को। अब हमारी सीक्वेंस का बेटा है ये कौन सा लेक्चर, 11th वेबिनार है हमारा। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा अपन? फ्लो चार्ट, और उसका भी हम पढ़ेंगे बेटा 4th सीरीज। और अब तक हमारे डाउनलोड हो चुके हैं 627, और आप बेटा इसे बढ़ाएंगे। शेयर करिए बेटा इस ऐप को, शेयर करिए दूसरे बच्चों तक, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्स में फ्री हैं, बहुत सारे रिसोर्स फ्री हैं और बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे बेटा। सो शेयरिंग इज केयरिंग पर आप इसे फैलाइए। चलिए बेटा शुरू करते हैं हम लोग अपने फ्लो चार्ट पोर्शन को। कौन जानता है फ्लो चार्ट के बारे में? एनीबडी? व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? चलिए मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले लेता हूं और फिर आज चलते हैं अपन बेटा फ्लो चार्ट पर आगे। ए फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है भाई फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। एग्जाम में चाहे आप न्यू कोर्स के हो, ओल्ड कोर्स के हो बेटा, 6 to 8 marks के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। पिछले 1-2 attempts से नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि नहीं आएंगे, ये आने वाले हैं। इस बार तो जरूर आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लास्ट अटेम्प्ट होने जा रहा है बेटा ये ओल्ड कोर्स के बच्चों का, इसलिए जरूर आने वाला है। और मुझे लगता है जो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल फ्लो चार्ट, उसी में से कुछ बनेगा, और जो हम इन क्लासों में पढ़ लेंगे बेटा उन्हीं से बनेगा। तो ये एक और आपके लिए खुशी की बात है कि सब चीजें यहीं रिवील हो रही है आपके लिए जो नवंबर 20 के एग्जाम में आप जाएंगे, वेदर यू आर फ्रॉम ओल्ड कोर्स और यू आर फ्रॉम न्यू कोर्स। सर इसके सिंबल होते हैं क्या? बिल्कुल बेटा सिंबल होते हैं। आज कुछ लोग नए आए हैं तो मुझे बताएं बेटा, वैसे तो मुझे सब लोग पुराने लग रहे हैं लेकिन फिर भी आज कुछ नए हैं। यू आर फॉर द फर्स्ट टाइम इन बत्रा सर क्लास ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, तो जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं।
कि कौन आज नया है, मुझे लग रहा है सब पुराने हैं, सब पुराने हैं, सब पुराने हैं। एनीबॉडी, कौन है नया? राजा अली रिजवी हैं, बबलू हैं, भाग्यश्री हैं, पूनम है, प्रियांशी हैं, श्रद्धा गुप्ता है, श्रावणी है, प्रेम कुमार है, निकिता है, एरिनस है, अब्दुल है, देवांश है, शबीना हुसैन है। वेरी गुड बेटा, तो सभी लोग आ गए, सभी लोग आ गए हैं। प्रियांशी कह रही है सर मेरी फर्स्ट क्लास है, पता नहीं था कि फ्लो चार्ट का सेशन। चलिए बेटा तो रिवीजन हो रहा है आपका, आओ बेटा फटाफट से रिवाइज करते हैं फिर चलते आगे। प्रियांशी आज से ही आप बनाना सीखेंगे फ्लो चार्ट, आज की क्लास के बाद में यू विल बी एबल टू मेक द फ्लो चार्ट। लेट अस स्टार्ट बेटा। सबसे पहले बेटा सिंबल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पहला सिंबल होता है बेटा स्टार्ट, ध्यान से देखें, ध्यान से देखते चले बेटा। स्टार्ट, स्टॉप और एंड, फ्लो चार्ट कहां से शुरू होता है, कहां रुकता है या कहां खत्म होता है, उसके लिए बेटा ये सिंबल यूज होता है। कौन सा सिंबल होता है बेटा? दो पैरेलल लाइन और उसको इस तरीके से बंद करते हैं, इसको कहते हैं ओवल सिंबल। क्या कहते हैं बेटा? ओवल सिंबल। सेकंड होता है बेटा इनपुट आउटपुट, इनपुट होता है कीबोर्ड से, आउटपुट आता है स्क्रीन पे, तब हम सिंबल बनाते हैं बेटा पैरेललोग्राम, दो पैरेलल लाइन आमने सामने और ऑब्लिक से उसे बंद किया हुआ। अगर यही आपको पेपर पे आउटपुट चाहिए मेरे बच्चा लोग, तो आपको लेना पड़ेगा प्रिंटेड पेपर सिंबल। प्रिंटेड पेपर सिंबल कैसा सिंबल? इस तरीके का। फ्लो चार्ट में सिंबल का बड़ा बड़ा उपयोग होता है, इसलिए आपको सिंबल बनाना सीखना पड़ेगा। सिंबल अगर ठीक नहीं बनाएंगे योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द फ्लो चार्ट। बात आई क्या सबको समझ में? उसके बाद बेटा होता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके लिए बच्चा लोग हम लोग बनाया करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये स्क्वायर नहीं लगना चाहिए, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, जबकि रेक्टेंगल में आमने सामने साले वाली साइड इक्वल होती है, सभी बराबर नहीं होती है। तो बेटा नेक्स्ट होता है कंडीशन। कंडीशन का मतलब हमको डिसीजन लेना चाहते हैं, हम कोई कंडीशन पूछना चाहते हैं, तो हम बनाते हैं बेटा डायमंड बॉक्स, और डायमंड बॉक्स के अंदर हम लिखते हैं इफ या लिखते हैं बेटा हम इज। बात आई क्या सबको समझ बेटा? उसके बाद होता है फ्लो ऑफ लॉजिक, कौन सी डायरेक्शन में लॉजिक आगे बढ़ रहा है वो हम बनाते हैं बेटा एरो से, एरो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। और उसके बाद में आता है बेटा कनेक्टर, मतलब अगर फ्लो चार्ट आपका एक पेज पे पूरा ना हो, इट इज एक्सटेंडिंग टू अनदर पेजेस, लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, फ्रंट से बैक में जा रहे हैं, तो बेटा हम दो तरीके के कनेक्टर यूज करते हैं, मैं यूज करके बताऊंगा आपको, ऑन पेज कनेक्टर एंड ऑफ पेज कनेक्टर, सेम पेज पे या डिफरेंट पेज पे। बात आई क्या सबको समझ में? तो छह प्रकार के सिंबल है प्रियांशी, स्पेशली फॉर यू बेटा। क्या आपको ये छह सिंबल समझ में आए? बाकी सब तो मेरे ख्याल से इसमें पुराने हैं, अब भी मेरे ख्याल से कुछ और लोग बच्चे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो मुझे बताओ बेटा आप सबको समझ में आ रहा है? तो मैं चलूँ इससे आगे, मैंने अब तक चार पांच सवाल करवा दिए, दोबारा से उनका एक क्विक रिकैप ले लेंगे बेटा, क्योंकि रोज नए नए बच्चे जुड़ते हैं तो रिकैप जरूरी है, क्योंकि हम मिलते भी तो हफ्ते में एक बार है या दो बार है, इसलिए जरूरी है बेटा पुराना रिवाइज कर ले और उसके बाद हम चलेंगे आगे। बॉबलू कह रहे हैं यस सर समझ में आया। प्रियांशी व्हाट अबाउट यू, आप क्या कहते हैं बच्चा लोग? वर्षा भी दिख रही है मुझे, कृष्णा भी दिख रहे हैं, राहुल झा भी दिख रहे हैं, वरुणा भी दिख रही हैं, बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं बेटा, बहुत सारे नए बच्चे आ गए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से आ जाओ। बत्रा सर पढ़ा रहे बेटा फ्लो चार्ट, जिसमें से आने वाले हैं 6 to 8 marks के क्वेश्चन, आ जाइए आ जाइए आ जाइए जल्दी से। चलिए सबको समझ में आ गया, तो बेटा हमने पहला क्वेश्चन, अच्छा तीन कैटेगरी होती है बेटा, तीन कैटेगरी पढ़ेंगे हम अभी पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल, फिर हम पढ़ेंगे बेटा बिजनेस, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बेटा एरे, एरे फ्लो चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अपन मैथमेटिकल फ्लो चार्ट की, किसकी बात करेंगे बेटा अपन? मैथमेटिकल फ्लो चार्ट की बात करेंगे बेटा। पहला सवाल जो हमने किया था मैथमेटिक्स से वो था ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 इवन नंबर, हमें पहले 100 इंग्लिश, पहले 100 हमारे जो है कुछ हमारे 100 पहले जो 100 इवन नंबर है उनको जोड़ना है ना। मुझे चैट में भाग्यश्री कह रही है सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, सो आई मेक दिस सेशन एज बाइलिंगुअल, हम इंग्लिश में भी बोलेंगे बाद में उसको हिंदी में बताएंगे। सो लिसन केयरफुली, हम लोग वी आर बेटा स्टडिंग द फ्लो चार्ट सीक्वेंस, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, वी स्टार्टेड दिस जर्नी विद कॉपी किताब ऑन 15th June, दिस इज 11th वेबिनार ऑफ बत्रा सर एंड दिस इज फोर्थ वेबिनार ऑन फ्लो चार्ट सीक्वेंसेस, यू कैन गेट ऑल दीज लेक्चर्स with the help of copy kitab which we have made it live, now you can find these lectures on my personal channel Professor J.S. Batra, you can go to the YouTube and search Professor J.S. Batra ESSM ITSM and iska guru, you will get all the
earlier 10 webinars over there. So this is the 11th webinar and we are taking flowchart sequence in this and we are revising it because so many students are new to this class. So we are revising once again. So our first question which we have done, this is the first question which we have done, is draw the flowchart to add first 100 even number. So beta, this will be done in four different steps. The first will be the analysis. Analysis means what we want to achieve from the flowchart. So we want to achieve the following sequence: sum equal to 2 + 4 + 6 + 200. What that means? Our first even number is 2. Our next even number is with addition of 2, that is 4. The next even number will be with addition of 2, that is 6. And the last number will be 200. Why 200? Because in the first 100 number counting, there are 50 even numbers and there are 50 odd numbers. So if we go up to 200 counting, you will find 100 even numbers and 100 odd numbers. Sir, aise to bada mushkil ho jayega yaad rakhna. To bada aapko yaad karna padega arithmetic progression ka nth sequence nikalne ka term. The nth term of a arithmetic progression is Tn equal to a plus n minus 1 into t, where a is the first term of the sequence, n is the total number of terms, one is to be subtracted from here, and d is the common difference. So when we solve it, it comes out to be 200. So you, I think you are now properly getting my point. What is the analysis? Sir, what is the next step? Next step is beta algorithm, which is also known as pseudocode, where P is silent. It is pseudocode, which looks like a program, but it is not a program. It is just normal English written statements before you, and it gives you an illusion that it is a program, and that is why it has got the name pseudocode. So let us start our pseudocode. The first step is start. The second step is clear all working location before starting with a new work. What we have to do? We have to make all the memory locations with initialization of zero. So what we do CAWL. जैसे कैलकुलेटर होता है बेटा अपने पास में, नई कैलकुलेशन करने से पहले हम सी या सी बटन प्रेस करते हैं ताकि सारा स्क्रीन क्लियर हो जाए. सिमिलरली व्हेन डूइंग अ न्यू फ्लो चार्ट, व्हाट यू डू, यू हैव टू मेक ऑल द मेमोरी लोकेशंस क्लियर, एंड द स्टेप इज क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन. दिस इज द प्रोसेसिंग स्टेप. गॉट इट. नाउ थर्ड स्टेप, वी विल राइट द स्टार्टिंग सीक्वेंस. Now there are two variables to be declared. Number one is sum. Sum is the addition of all the number. And we are starting with zero. Since we haven't added something, abhi humne shuru hi nahi kiya add karna. So we take the starting value as zero because nothing is being added till now. Now the sequence starts from two. So number, that is the sequence first term, will be written here. So sum will be zero because nothing is added yet. And number will be the starting term of the sequence. That is 2 here. Suppose करो sir, ये अगर सवाल even number का नहीं होता, हमसे पूछा जाता what is the sum of first 100 odd number, तो ये sequence शुरू होती 1 + 3 + 5. In that case sum will be 0 but number will be 1. That is the first term of the sequence. I think you are now getting my point. If you are getting my point, then raise your thumbs, make your hand raise, or write something in the chat box so that I can go ahead here. जल्दी बताएं. भाग्यश्री, पूनम, श्रद्धा गुप्ता, सभी ने बता दिया. प्रियांशी इज किंग, गॉट इट सर. सभी को पता चल गया. सो आई एम मूविंग अहेड. अगर किसी को दिक्कत है, यू कैन आस्क मी फ्रीली बेटा. ठीक है, दिस क्लासेस आर वेरी इंटरेक्टिव. बत्रा सर इज टीचिंग CA स्टूडेंट सिंस लास्ट 31 years. It has been 62 CA exam attempts gone by. I have taught more than 2 lakh students across India and abroad, from which 20,000 students have become chartered accountant over a period of time who are working in India and abroad, and almost 800 of them are working in my city, that is Jodhpur. I am from Jodhpur, Rajasthan, and I have my own academy over here which runs all the subjects of CA intermediate and other courses also. Out of
2 lakh student which you have taught over a period of time, almost 200 student got all India rank, and beta out of 200, 75 students have got first, second and third rank, and they have scored just like anything. They have scored 90 marks, they have scored 92 marks in old course ITSM or new course beta ESSM. So this is a legacy which we are continuing, and by the help of and by connecting with a copy kitab platform, we are producing many more ranks. So stay tuned with us, beta. Stay tuned with us. We are going to give you the ranks from this copy kitab platform also. I think now you are getting everything. Okay, so I'm moving ahead. So I'm going to define kya beta, sum equal to 0 and number equal to 2. Then we will write the next addition step, and this is the main step of the whole algorithm or flowchart. If this step goes wrong, marks will be 0, marks allocated will be 0. Agar aapne yahan galti ki hai to aapko aayega bada 0, bada anda milne wala hai. So this is the main step of entire algorithm or pseudocode or flowchart. So be careful while writing this step, be careful while writing this step. Batra sir has long experience of teaching, as well as Batra sir has remained paper setter and examiner for, I think it is not necessary to tell on these platforms, you know very well what I am saying. To beta aapko inside view dene ja raha hu main. Agar meri baat maan ke chalenge, ye paper score karna aap sabke liye aasan hai, warna mushkil hi mushkil hai. Hum koshish kar rahe hain beta copy kitab platform ke sath is cheez ko aapke liye aasan bana diya jaye. So we are making your life comfortable with the subject of ITSM and ESSM, because all over India I see those tutors who are teaching it, wo keval magap karwa rahe hain, keval yaad karwa rahe hain aapko, samjha nahi rahe beta. This paper is a conceptual paper, and the person who is himself is process and automation consultant and management consultant, then he will be guiding you proper. To mera beta aapse keval itna hi kehna hai, jab bhi kisi teacher se aap padhte hain, us subject ke bare mein jaan ke padhe ki wo khud bhi us subject ko apni practical daily life mein jeeta hai ki nahi jeeta hai. Agar hum income tax naam ka ek subject kisi se padhna chahte hain aur wo beta lawyer hai, to kaisa rahega mujhe batao. एक इनकम टैक्स का सब्जेक्ट लॉयर से पढ़े तो कैसा रहेगा? उसी तरीके से बेटा ईएसएसएम और आईटीएसएम का सब्जेक्ट तो किसी टेक्निकल पर्सन से पढ़ना पड़ेगा, मैनेजमेंट के बंदे से पढ़ना पड़ेगा, वही आपको इनसाइट नॉलेज दे सकता है. और बेटा बत्रा सर तो प्रोसेस मैनेजमेंट एंड ऑटोमेशन कंसल्टेंट भी है, तो बेटा अपनी डेली लाइफ को बताया करते हैं. व्हेनेवर आवर क्लासेस अकर्स, we always tell our practical experiences, and that becomes the subject of ITSM as well as ESSM. There are more than 175 videos on my personal channel, Professor J.S. Batra. You can get them, they are free, they are free resources beta, and so do with the copykitab.com. we are here to help you in this pandemic time beta. तो आप इस पे ध्यान दें बेटा, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर लिखेंगे हम, दिस इज द मेन स्टेप. सर इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? नंबर दैट इज 2 विल बी एडेड इनटू द वेरिएबल सम. मैं कह रहा हूं वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदलती है. दोज थिंग्स विच कीप ऑन चेंजिंग देयर वैल्यूज आर नोन एज वेरिएबल, दोज थिंग्स विच हैव फिक्स वैल्यूज आर नोन एज कॉन्स्टेंट. सो हम यहां पे यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स को, वी आर यूजिंग हियर वेरिएबल, टू वेरिएबल, वन इज सम, अनदर इज नंबर. सो सम इज 0, नंबर इज 2, दिस इज द स्टार्टिंग स्टेप, बट आफ्टर दैट वी हैव टू एड दिस नंबर टू सम. सो वी विल राइट द मैथमेटिकल स्टेप, सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, दैट मीन्स द नंबर विच इज 2 इज टू बी एडेड इन टू the sum, and the sum will become 2. So this can be shown in the table, this can be shown in the table. Here is a table, we will make 2 columns, one is sum, another is number, and we will write these values. First is 0, this is 2, we will write here 0 and 2. Then next step is sum equal to sum plus number. Now we will add this 2 into sum. Now sum will become 2, but number doesn't change, so number is again 2, so both are 2. This is the first step of our table. This way we'll make the 4 steps in the table. If the up to 4 step this table is correct, then we can say we are going in the right direction and we'll make the flowchart correctly. If your table is not giving you the proper result, it means something has gone wrong with your algorithms or pseudocode, change it. So this is a trial and error method, this is trial and error method. By this way you can make your flowcharts correct. So these are the prior steps which are to be included in the working note parts of your answers. These are to be adhered compulsorily.
फ्लो चार्ट का सवाल आता है बच्चा लोग, तो आपको ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। सीधा फ्लो चार्ट बनाएंगे हम, नंबर कम देंगे, वर्किंग नोट हमें चाहिए। यू मस्ट राइट द एनालिसिस पार्ट, यू मस्ट राइट द एल्गोरिथम पार्ट, यू मस्ट राइट द फ्लो चार्ट पार्ट, यू मस्ट राइट द टेबल पार्ट, देन एंड ओनली देन यू आर गेटिंग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। बेटा ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से 6 में से 6 भी आते हैं, 8 में से 8 भी आते हैं। और बेटा बत्रा सर तो पिछले 31 सालों से पढ़ा रहे हैं। I started teaching this subject. ये इस नाम से नहीं था, it was in the finals and the subject name was System Analysis and Data Processing, SADP, SADP. वहां भी ये था बेटा, तब से पढ़ा रहा हूं बेटा। तो अब जो मेच्योरिटी आई है बेटा इस सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए हमसे, हम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ आपको बता सकते हैं इन क्लासेस में कि जो सवाल हमने करवा दिए उसके बियॉन्ड कभी नहीं आता है। और ये सारे सवाल बेटा जो आपको करवाए जा रहे हैं इस क्लास में, वो सारे के सारे बेटा इस केवल 24 पेजेस से आएंगे, इससे बियॉन्ड नहीं आएंगे। है ये 24 पेज, लेकिन सवाल कराते कराते वेरिएशन में 100 हो जाएंगे। ये सब बेटा डिजिटल फॉर्म में आपको मिल सकता है हमारे ऐप के ऊपर, कॉपी किताब के ऐप के ऊपर। आज ही डाउनलोड करिए और उसके बेटा ई बुक सेक्शन में जाइए, ये आपको अवेलेबल है एट ए मियर प्राइस ऑफ 70 रुपीज। तो 70 रुपए में डिजिटल कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाएगा बत्रा सर का, जो इस क्लासेस में आप बेटा पढ़ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर सब में पहला स्टेप जोड़ दिया, व्हाट विल डू नेक्स्ट? हम जाएंगे स्टॉपिंग स्टेप पे, हम लिखेंगे इफ नंबर इक्वल टू 200, क्या हमने सारे नंबर जोड़ लिए? अगर जोड़ लिए देन प्रिंट सम एंड स्टॉप। सर ऐसा तो नहीं हुआ, अभी तो हमने 2 ही जोड़ा है, हमें तो 4, 6, 8 सब जोड़ना है। तो क्या करेंगे हम, अगले नंबर को बनाएंगे, नंबर में 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 6 बनाएंगे। तो हम अगला स्टेप लिखेंगे, विच इज अगेन एन इंपॉर्टेंट स्टेप। ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट है, अगला स्टेप भी इंपॉर्टेंट है। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, दैट मींस वी आर मेकिंग द कॉमन डिफरेंस स्टेप नाउ। नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, पुराना नंबर है 2, नया नंबर है 2, 2 और 2 जुड़ के हो जाएंगे बेटा 4। सो वी विल राइट 4 इन द टेबल। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? अब इस नंबर को सम में जुड़ना चाहिए, इस नंबर को सम में जुड़ना चाहिए। विल राइट गो टू स्टेप नंबर 4। व्हाट विल हैपन टू गो टू स्टेप नंबर 4? ए लूप इज क्रिएटेड व्हिच विल रन 100 टाइम्स, व्हिच विल रन 100 टाइम्स एंड विल गेट द आंसर। जैसे ये ऊपर आएगा फिर से स्टेप सम इक्वल टू सम प्लस नंबर एग्जीक्यूट होगा। अब सम प्लस नंबर एग्जीक्यूट करोगे तो हमारे पास में नंबर में चल रहा है 4 और सम में चल रहा है ये 2, दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 6। आपको समझने के लिए बेटा, आपको समझने के लिए हम लिख रहे हैं, ये 2 और 4 के जोड़ से बना है। कंप्यूटर अंदर 2+4 लिखता नहीं है, वो तो फाइनल फिगर लिखता है। आपको समझाने के लिए, आप बच्चों को समझाने के लिए बेटा बत्रा सर ऐसे लिख रहे हैं, ये लिखना जरूरी नहीं है। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं 6 कैसे बनाए, क्योंकि किसी 6 को देख के हम नहीं बता सकते ना किसके ऐड से बनाए, किसके एडिशन से बनाए। 6 बनने के तो कई तरीके बेटा, 6 = 0+6, 6 = 7 - 1, 6 = 4+2, 6 = 1+5, 6 = 8 - 2। तो 6 बनने के तो कई तरीके, तो आपको क्या पता ये किस तरीके से बनाए। इसलिए आपको समझाने के लिए बत्रा सर ने लिखा है 2+4। ऐसा कंप्यूटर अंदर नहीं लिखता है, वो तो फाइनल फिगर ही लिखता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेटा मुझे एक रिएक्शन दे दो, मुझे पता चले यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जरा फटाफट से एक रिएक्शन दे दो, फटाफट से एक रिएक्शन दे दो बच्चा लोग। बबलू हैज गिवन, श्रद्धा हैज गिवन, श्रावणी हैज गिवन, व्हाट अबाउट अदर्स? राजा अली, अलका, जयेश, कृष्णा, अमृत, सो ऑल ऑफ देम हैव गिवन दिस, ऑल ऑफ देम हैव गिवन। ओके। सो आई एम मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्टेप इज इफ नंबर इक्वल टू 200, क्या फिर से हम स्टॉपिंग कंडीशन में पहुंचे? अभी कहां सर, अभी तो केवल 4 लिखा गया है, हमें तो 200 तक जाना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, मीन्स 2 और एड करो तो 4+2 विल बिकम 6, 6 विल बी रिटर्न इन द टेबल। नाउ व्हाट विल डू, गो टू स्टेप नंबर 4, सम में जोड़िए, सम में चल रहा है 6, सम में चल रहा है 6, नंबर में हो गया 6, 6 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6+6 = 12। अब ये 12 कैसे आया बेटा? 2+4+6 है। अभी तक हुए 3 स्टेप, कम से कम 4 स्टेप की टेबल बनाएंगे। आगे फिर से नंबर इक्वल नंबर प्लस 2 करेंगे, नाउ 6+2 विल बिकम 8, नाउ इट विल बिकम 8, नाउ विल मूव अगेन टू द adding step, go to step number 4, sum equal to sum plus number, now it will become 12+8 = 20, now it becomes 20 and 20 is the addition of 2+4+6+8। समझ में आया क्या? 4 स्टेप तक अगर टेबल सही बन रही है, we can say this algorithm is correct, we will say the algorithm is correct। हो गया आपका फ्लो चार्ट। सर कहां हुआ फ्लो चार्ट? आपने तो फ्लो चार्ट बनाया ही नहीं। अगर बेटा आपने ये सीख लिया तो 1 मिनट लगता है फ्लो चार्ट बनाने में, 1 मिनट।
मैगी भी बनाने में 2 मिनट लगता है, मैगी भी बनाने में 2 मिनट लगता है, लेकिन अगर आपने इतना कर लिया मतलब आपने एनालिसिस ठीक लिखा, आपने एल्गोरिथम जिसका सूडो कोड भी नाम है ठीक लिखा, आपने टेबल भी ठीक बनाया, तो बेटा फिर मैगी से भी कम समय में बत्रा सर बनाते हैं फ्लो चार्ट। सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है, बना के बताएंगे क्या? बिल्कुल बना रहे बेटा, आप अपने सामने एल्गोरिथम रखिए, बत्रा सर आपके सामने बना रहे हैं फ्लो चार्ट 1 मिनट में। आपका समय शुरू होता है अब, देखिए बेटा 1 मिनट में बन रहा है आपके सामने फ्लो चार्ट, मैगी से भी कम समय में। पहला स्टेप है बेटा, बोलते बोलते बना रहा हूं, बिना बोले बनाऊं तो इससे भी कम समय में बनेगा। पहला स्टेप था CAWL, दूसरा स्टेप है क्लियर ऑल वर्किंग लोकेशन, प्रोसेसिंग बॉक्स में बनेगा। थर्ड स्टेप है बेटा सम इक्वल टू 0, नंबर इक्वल टू 2, ऐसा ही स्टेप है ना। एल्गोरिथम सामने रखो और उसको उसको रिक्विजिट रिक्विजिट फ्लो चार्टिंग सिंबल में डालते चले जाओ। अगला स्टेप है सम इक्वल टू सम प्लस नंबर, उसके बाद बेटा कंडीशन पूछनी है, कंडीशन क्या है? नंबर इक्वल टू 200, अगर नंबर 200 हो गया है तो यस करें, यस करने के बाद बेटा इसे प्रिंट करें, प्रिंट किसको करेंगे आप? फाइनल वैल्यू को, दैट इज सम, और उसके बाद बेटा हम करेंगे एंड। और अगर बेटा ये कहता है ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे बेटा? अगला स्टेप था नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 2, वो बढ़ाएंगे और उसके बाद इस कनेक्टर को गो टू 4 ले जाएंगे। मुझे बताएं बेटा कितना समय लगा, टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव टेकन, टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव टेकन, लेस देन 1 मिनट। कितना समय लगा? आपने नोट किया तो मुझे बताएं। मैंने नोट किया, 1 मिनट से कम में बना बेटा। मैगी बनाने से भी कम समय लगता है फ्लो चार्ट। कौन कहता है फ्लो चार्ट मुश्किल है? बत्रा सर ने उसे आसान बना दिया बच्चों के लिए। तो मैं बेटा हमेशा कहा करता हूं, अगर राइट टीचर आपके पास है, राइट मेंटोर आपके पास है, तो सब्जेक्ट कोई मुश्किल नहीं है। आपने गुरु गलत चुन लिया तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए मेक योर सिलेक्शन परफेक्ट, वरना दिक्कत आती है बेटा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होते? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, कोशिश तो करो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बच्चे लोग, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। मेहनत करनी पड़ती है बेटा, मेहनत करनी पड़ती है। एवरीथिंग इज गेटेबल, एवरीथिंग इज अचीवेबल इफ यू विश टू डू। अगर आप राइट तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे, अगर आप राइट तरीके का टेम्परामेंट अपनाएंगे, आप राइट तरीके के मेंटर को चुनेंगे, देन सी एग्जाम इज वेरी ईजी। ये उनके लिए मुश्किल है बेटा जो मगअप करके चलते हैं। मगअप करने से जिंदगी नहीं निकलती। अल्टीमेटली द सब्जेक्ट हैज टू गो इनसाइड। जब तक वो अंदर नहीं जाएगा तब तक एग्जाम को पास करना मुश्किल होगा, क्योंकि पेपर बनाने वाले मेरे जैसे लोग हैं बेटा। बड़ा कंसेप्चुअल बनाते हैं हम लोग पेपर, तो पास नहीं कर पाते बच्चा लोग, क्योंकि वो रट के आते हैं। रटना नहीं है, समझना है। अगर आपने समझ लिया तो देखो ये बड़ा आसान हो गया। मुझे जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे क्या आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया। अगर समझ में आया है तो बड़ा रिएक्शन दे दो, मैं चल रहा हूं इससे आगे। तो सभी ने मैसेज दे दिया। अब बेटा मैं बाकी के सवाल यहां पे रिवाइज नहीं कराऊंगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल पे जाना है, प्रोफेसर JS बत्रा ITSM इसका गुरु, और वहां से बाकी के देख लेने। ओके, बाकी मैंने जो सवाल कराया वो बता देता हूं, मैं चल रहा हूं इससे आगे। वो आज कुछ नया करते हैं, आओ कुछ अच्छा करते हैं। कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, बत्रा सर की क्लासेस करते हैं, आओ कुछ अच्छा करते हैं, कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, बत्रा सर की क्लासेस करते हैं। बेटा तो हमने एक सवाल बताया आपको, क्या था बेटा वो सवाल? ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। ठीक है, एक सवाल और जो हमने करवा दिया इसका, रादर कई करवा दिया हमने, दूसरा करवाया था हमने प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 ऑड नंबर। ये आपको हमारे वीडियो में मिल जाएगा हमारे चैनल के ऊपर बेटा। ठीक है, सवाल का एनालिसिस क्या है? सम इक्वल टू 1+3+5+7 up to 199। इसको कर लेना बेटा, अपने हाथ से भी करके देख लेना। तरीका वही है, पहले आपको एनालिसिस लिखना पड़ेगा, फिर आपको एल्गो लिखना पड़ेगा, फिर आप टेबल बनाएंगे। जब टेबल 4 स्टेप तक ठीक बन जाएगी, देन ओनली यू विल मेक द फ्लो चार्ट। और जब आप फ्लो चार्ट बनाए तो आप एल्गोरिथम के स्टेप्स को सामने रखें और उन स्टेप्स को केवल फ्लो चार्टिंग सिंबल्स में बंद करें। फ्लो चार्ट इतना ही है, कोई भारी भरकम चीज नहीं है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का तरीका है एनालिसिस लिखें, एल्गोरिथम लिखें,
परफेक्टली टेबल बनाए, चार स्टेप तक टेबल ठीक बननी चाहिए। अगर इतना हो गया तो फ्लो चार्ट एक मिनट का काम है। लोग इधर मैगी बनाएंगे, हम दो बार फ्लो चार्ट बना लेंगे, उनको दो मिनट मैगी बनाने में लगेंगे और हम दो मिनट में दो बार फ्लो चार्ट बना लेंगे। दैट इज दैट मच इजी इज द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट इज इजीली गेटेबल। बेटा जोधपुर में जहां मैं पढ़ाता हूं, वहां जब हमसे बच्चा फेस टू फेस पढ़ता है, अभी तो बंद है, हम इसी तरीके से जूम पे पढ़ा रहे हैं बेटा पूरे भारत भर में, तो बेटा बच्चे का जो हमारी क्लासेस में पढ़ता है यहाँ पे, वो कहता है सर ये सवाल नहीं आया, मेरा तो लॉस हो गया, क्योंकि ये 6 से 8 नंबर तो मैंने ग्रैब करने ही करने थे, और ये 6 से 8 नंबर सपोज आपके आ जाते हैं, दिस मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन फेल एंड पास। 35 में फेल होता है, 40 में पास होता है। अगर 6 नंबर का भी सवाल आता है, 35 आ रहे थे आपने सवाल किया, यू विल गेट 41 मार्क्स, यू आर पास। अगर आपके 55 आ रहे थे और आपने फ्लोचार्ट का सवाल किया, यू आर गेटिंग 61, एग्जम्पशन आ गया। और बेटा रैंकर की बात करें तो उनको तो जरूरी है करना, क्योंकि एक एक नंबर पे कई रैंक खड़ी होती है, एक एक नंबर पे। तो आप 6 नंबर अगर दूसरे से ज्यादा ला रहे हैं तो सोचो आप रैंकिंग में कितना ऊपर आ जाएंगे बेटा, बहुत ऊपर जा सकते हैं। वी कैन गेट फर्दर एलिवेटेड बेटा। तो बात आई सबको समझ में बेटा, क्या तरीका है? तो आपको ये करना है, हमने करवा दिया, हमारे पुराने वीडियो पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद बेटा हमने एक और सवाल करवाया था, थर्ड वन, ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड फर्स्ट 100 नंबर, पहले 100 नंबर्स को जोड़ने का। क्या है पहले 100 नंबर बेटा? सम इक्वल टू 1+2+3+4+5 up to 100। तो तीनों बेटा एक जैसे ही है विद लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। सो इनिशियली हमने थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ सवाल दिए थे जो बच्चों ने कर लिए। आप जो लोग नए हैं हमारे उस वीडियो को देख लेना, ये सारे बेटा हमने समझाए हैं। तरीका वही है, फर्स्ट यू विल राइट द एनालिसिस, देन यू डू द एल्गो, देन यू डू द टेबल, एंड फाइनली यू विल मेक द फ्लो चार्ट। सर इसके बाद भी कुछ कराया था? बिल्कुल बेटा, लास्ट टर्न पे एक सवाल और करवाया था मैंने, फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई फर्स्ट 100 नंबर्स, मल्टीप्लाई करना था फर्स्ट 100 नंबर को। यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट था, ट्विस्ट क्या था? एनालिसिस देखिए बेटा, एनालिसिस देते थोड़ा समझा देता हूं, समझ लेना आप बाकी वीडियो से, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम यहां पे वेरिएबल ले रहे हैं मल, अब तक हम वेरिएबल लेते थे सम, सम क्यों लेते थे? जोड़ने का था, ऐड करने का था, अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो वेरिएबल विल बी एमयूएल। अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? All the variables of the question will be accordingly. If the question is of addition, our variable will be sum. S नहीं लेते, S, A, B, C पता नहीं चलता है किसको रिप्रेजेंट करता है। So we'll take the variable of 3 to 4 character which are self-explanatory what they represent. SUM represent there is something to be added. SUB मतलब something is to be subtracted. MUL means something is to be multiplied. DIV something is to be divided. FACT fact something is to be factorial. Something is to be factorial. Then we have exponential. Then we have logarithmic. तो variable कुछ ऐसे लेने हैं जिनसे उनका मतलब समझ में आता है। Are you getting my point? Are you getting my point? जरा reaction दे दे बेटा मुझे, जरा reaction दे दे सभी बच्चा लोग। जिस किसी के नहीं समझ में आ रहा है वो चैट बॉक्स में पूछ भी ले मुझसे। इफ यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट्स वेरी क्लियरली देन जस्ट आस्क। आर सेशंस आर टोटली इंटरैक्टिव विद ईच अदर। दीज आर द फ्री सेशन विच आर टोटली इंटरैक्टिव विद द स्टूडेंट्स। सो इफ यू हैव सम प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग टेल मी, आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम, अदरवाइज विल मूव अहेड। आज बहुत कुछ करने की तमन्ना है, आज बहुत कुछ करने की तमन्ना है, आज बहुत कुछ करने का इरादा है। तो चलिए आपको समझ में आ रहा है, हम बढ़ते हैं बेटा आगे, हम बढ़ते हैं आगे। तो बेटा ये सवाल कराया था, अब इसमें सबको मल्टीप्लाई करना है, 1 × 2 × 2 × 3 × 2। अब बेटा बात आती है हमारा मल वेरिएबल कहाँ से शुरू होगा। कैन यू सजेस्ट मी, हम जैसे लेते थे इसका वो थर्ड स्टेप होता है ना, सम इक्वल टू 0 नंबर इक्वल टू 2, उसका थर्ड स्टेप, इस सीक्वेंस का थर्ड स्टेप क्या होगा? स्टार्ट CAWL, नाउ व्हाट विल बी थर्ड स्टेप? हर एक बंदा लिख के बताए पूरे वेरिएबल समेत, MUL इक्वल टू समथिंग कॉमा नंबर इक्वल टू समथिंग, पूरा लिख के बताओ सभी लोग, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप। जैसे पुराने सवालों में था सम इक्वल टू 0 नंबर इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा? MUL इक्वल टू समथिंग एंड नंबर इक्वल टू समथिंग। राइट डाउन द कंप्लीट स्टेप बेटा, राइट डाउन द कंप्लीट स्टेप। श्रावणी हैज रिटन MUL इक्वल टू 1 नंबर इक्वल टू 1, श्रद्धा हैज रिटन MUL इक्वल टू 1 नंबर इक्वल टू 1, व्हाट अबाउट अदर्स? राइट डाउन, सभी लोग लिख के बताएं ताकि मुझे पता चले आप समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बिकम इंटरेक्टिव इन द क्लासेस। प्रियांशी सेज इट इज मल इक्वल टू 1 नंबर इक्वल टू 1, बॉबलू सेज MUL इक्वल टू 1 एंड नंबर इक्वल टू 1, व्हाट अदर्स टू से, सभी लोग लिखो बच्चा, सभी लोग लिखो। राजा अली रजवी कह रहे हैं MUL इक्वल टू 1 नंबर इक्वल टू 1, फाइन बेटा, फाइन, यू आर करेक्ट। अच्छा मुझे कौन बताएगा
एमयूएल जीरो क्यों नहीं लिया? Why we haven't taken MUL equal to 0? What is the problem? If we declare MUL equal to 0 instead of 1, what will happen? If we declare MUL equal to 0 and we make the flowchart with this step, MU equal to 0, what will happen? What will happen? Shraddha says, sab 0 ho jayega. सब जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके एवरीथिंग बिकम्स जीरो, एवरीथिंग बिकम्स जीरो, सो ये होना चाहिए वन। बात आ गई सबको समझ में बेटा? सो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ डिवीजन, द इनिशियलाइजेशन वेरिएबल विल बी वन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ डिवीजन, आर वेरिएबल विल बी वन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इन केस ऑफ डिवीजन, आर वेरिएबल विल बी वन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? राजा अली रिजवी कह रहे हैं जीरो इंटू वन जीरो हो जाता है। एग्जैक्टली राजा। प्रियांशी कह रही है सर इट विल बिकम जीरो ओनली, इसलिए हमने नहीं लिया। तो आप बच्चा लोग सब समझ गए। चलिए आज करते हैं अगला सवाल। ये रहा आपकी स्क्रीन पर फिफ्थ क्वेश्चन। ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। क्या है सवाल? ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। कौन मुझे बताएगा? वॉट विल बी द एनालिसिस? कैन यू राइट द एनालिसिस पार्ट? Can you write the analysis part in the chat box? Can you all write analysis part in the chat box? What we are going to do? What we are going to do? What will be the analysis part? सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएं। क्वेश्चन आपके सामने है बेटा स्क्रीन पे, मुझे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा है बेटा। एवरीथिंग इज क्लियर। ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू एड स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। ऑल ऑफ यू विच आर प्रेजेंट इन टूडेज क्लास, प्लीज राइट वट विल बी द एनालिसिस स्टेप कंप्लीटली इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वट यू आर अंडरस्टैंडिंग, वेदर यू आर गोइंग इन ग्रेट गन्स or there are certain problems in your understanding. So please write the complete step in the chat box. सभी लोग लिखे बेटा चैट बॉक्स में, सभी लोग लिखे। सभी लोग लिखें, सभी लोग लिखें, सभी लोग लिखें, फटाफट लिखें, फटाफट लिखें, फटाफट लिखें। आप लिखेंगे तभी मैं आगे शुरू करूंगा। श्रद्धा इज रिटर्न, वी हैव टू ऐड 1 प्लस 9 प्लस 16। 16 इज अ ऑड नंबर श्रद्धा, 16 इज नॉट एन ऑड नंबर। Yeah, it will be 25. Exactly, exactly. So, beta, these kind of mistake which occur in examination will not fetch you marks. So, you have to be very meticulous in writing the statement. आपको बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। श्रावणी ने लिखा है 1 plus 9 plus 25 plus 49. Exactly, beta. Shraddha, you have to be very careful, dear. You have to be very careful, bacha. You have to be very careful. हमें पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं। वी कांट अफोर्ड टू लूज ए सिंगल मार्क। यू आर इन बत्रा सर्स क्लास। हमारा कोई बच्चा इसमें से एक नंबर भी लूज नहीं करता है, एंड दैट इज आर हिस्ट्री। एक भी नंबर लूज करता नहीं है बेटा। जो हमसे पढ़ लिया वो गलती करता ही नहीं है, ठीक है? सिंस इट इज योर अर्ली डेज तो ऐसा हो सकता है, बट एग्जामिनेशन में दैट शुड नॉट हैपन। सो बी केयरफुल व्हाइल थिंकिंग एंड व्हाइल राइटिंग द एनालिसिस लेटर ऑन एल्गोरिथम एंड लेटर ऑन मेकिंग टेबल और फ्लो चार्ट। बाकी बच्चे क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्या उन्हें पढ़ना नहीं है क्या? फटाफट से लिख के बताओ सभी लोग। बी इंटरेक्टिव इन आवर क्लासेस। अरे वन वे नहीं होता बेटा हमारी क्लासेस में, इट इज अ टू वे सेशन। बत्रा सर से समथिंग देन यू हैव टू आंसर, अदरवाइज हाउ दिस सेशन विल गो। प्रवचन थोड़ी चल रहा है कि श्री श्री 1008 बत्रा सर प्रवचन दे रहे हैं, अपन कान लगा के सुन रहे हैं। इट इज अ टू वे इंटरेक्टिव सेशन, यू हैव टू इंटरेक्ट। यस, Raja has rightly said it is 1 plus 9 plus 25 plus 49. Bablu said 1 9 25 49. Poonam said 1 9 5 25. What about others? Baki bhi keh lo bhi patapat. Bachche to bahut baithe hain class mein lekin likh nahi rahe hain. Agar yahan nahi likhoge to exam mein kaise likhoge bachcha log? Yahan bhi to likhna seekho tabhi wahan likh paoge.
थॉट प्रोसेस यहां से शुरू होता है. इफ इट कम्स हियर यू हैव टू राइट डाउन, इफ इट इज नॉट कमिंग हियर देन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स, सो यू हैव टू राइट डाउन. फटाफट लिख दो. एरनस ने भी लिख दिया 1 9 25 49. एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली. चलिए तो सभी ने समझ लिया व्हाट इज एनालिसिस. अब बेटा इसको बनाते हैं. अब मैं बना रहा हूं बेटा, आप सब लोग भी साथ साथ बनाते चले, घर पे इसको साथ साथ लिखते चले. हाथ से करना पड़ेगा बेटा, केवल समझने से बात नहीं पड़ेगी. यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप विच आई एम राइटिंग हियर. सो इफ यू डू दिस देन इट विल बी कमिंग टू यू. ओके चलिए हम लिखते हैं बेटा एनालिसिस को. ये 1 + 9 + 25 + 49 एंड सो ऑन कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ये जाएगा बेटा कहां तक जाएगा बताओ मुझे. लास्ट नंबर क्या होगा? 99 × 99 क्या होगा बेटा? 99 स्क्वायर होगा, है ना. व्हाटएवर इट कम्स टू बी, व्हाटएवर इट कम्स टू बी, व्हाटएवर इट कम्स टू बी. तो बेटा इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं. 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 99 स्क्वायर. कोई लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 1 + 3 × 3 + 5 × 5 + 7 × 7 + 99 × 99. ये तीनों ठीक हैं, ये तीनों ठीक हैं. आप किसी भी तरीके से लिखे दे ऑल आर करेक्ट, किसी भी तरीके से लिखे दे ऑल आर करेक्ट. सभी एनालिसिस ठीक है, लेकिन बेटा हम बनाएंगे इन दो तरीकों से, ऊपर वाले तरीके से नहीं बनाएंगे, वो मुश्किल होगा बनाने हमारे लिए. तो हमें सबसे आसान तरीका ढूंढना है. 23 FCBE 65. अरे भाई अपना नाम लिख दो, कौन हो आप, नाम भी तो बताओ अपना. नाम तो बता, तेरा नाम तो बता. हाँ नाम लिख दिया करो बेटा. कहां से हो आप? 23 FCBE 65. जल्दी से अपना नाम बताओ बेटा, वरना फिर मुझे नामकरण करना पड़ेगा. क्रांति, ओके क्रांति, ओके क्रांति, ओके क्रांति. बत्रा सर का एक रूल है बेटा, सबके बारे में जानते हैं बत्रा सर. वंस यू आर इन माय क्लासेस देन योर मेंटर योर गार्जियन विल टेक केयर एवरीथिंग. सो क्रांति वेलकम, वेलकम बेटा. यू हैव रिटन वेरी करेक्टली. फ्रॉम वेयर यू बिलोंग टू, कहां से हैं आप? आई थिंक यू आर फ्रॉम सदर्न इंडिया. वेयर आर यू फ्रॉम बेटा क्रांति? वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम? श्रावणी इज फ्रॉम विजयवाड़ा. और राजा अली कहां से है, जल्दी से बताएं. एक बार बेटा सभी लोग अपने अपने सिटी का नाम बता दो, एक बार सारे लोग अपने अपने सिटी का नाम बता दो. क्रांति इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राजा मुंद्री. राजा अली रजवी इज फ्रॉम हैदराबाद, जल्दी बता दो. श्रावणी इज फ्रॉम विजयवाड़ा. श्रद्धा गुप्ता इज फ्रॉम मुंबई. आर प्रियांशी बिटिया इज फ्रॉम जयपुर, मेरे मेरे शहर के करीब. बबलू इज फ्रॉम विजयवाड़ा, ओके. प्रेम कुमार इज फ्रॉम दिल्ली. देखो बत्रा सर की क्लासेस हो गई है बेटा, कैसी कैसी हो गई है, कैसी हो गई है, कैसी हो गई है बेटा, कैसी हो गई है? ऑल इंडिया हो गई है, ऑल इंडिया लेवल की हो गई है ना. वी आर कनेक्टिंग ऑन कॉपी किताब, इंडिया लीडिंग प्लेटफॉर्म थ्रू जूम ऐप. एंड वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स इन एंटायर इंडिया, सभी जगह से पढ़ रहे बेटा. ग्लोबल हो गए बत्रा सर आपके, श्रद्धा कह रही है ग्लोबल हो गए. चलिए बेटा आओ देखते हैं इसका एल्गोरिथम क्या है. द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, सेकेंड स्टेप इज सी ए डब्ल्यू. अब तो ये याद हो ही गया, और कुछ नहीं तो ये दो तो लिख ही सकते हैं सर, ये दो तो लिख ही सकते हैं. बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं है. चलो अगला स्टेप, सम इक्वल टू जीरो, नंबर इक्वल टू वन. सम तो हो गया ये, नंबर हो गया ये, ठीक है. सम हो गया जीरो, नंबर हो गया वन, ओके फाइन. अब बेटा हमें यहां बनाना है 1 × 1 बनाना है. तो क्या लिखेंगे स्टेप? सम इक्वल टू सम प्लस नंबर इंटू नंबर. नंबर इंटू नंबर का मतलब होता है नंबर का स्क्वायर करना, नंबर इंटू नंबर का मतलब होता है नंबर स्क्वायर करना. तो 1 × 1 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, 7 × 7 हो जाएगा. सो दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट. हम ऐसा नहीं लिख सकते बेटा फ्लो चार्ट में, दिस इज नॉट अलाउड. सो वी विल राइट इट एज नंबर इंटू नंबर, बिकॉज पावर रेस करना फ्लो चार्ट वगैरह में अलाउड नहीं होता है ना. हम इसके लिए नंबर इंटू नंबर लिख सकते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फटाफट से रिएक्शन दे दो बेटा जो मैं लिख रहा हूं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राजाली सेज यप, बिल्कुल समझ गए. तो सारे बच्चे समझ गए, बहुत होशियार बच्चे हैं मेरे, सब लोग समझ रहे हैं कैसा बनता है फ्लो चार्ट. देखें मक्खन की तरह बनाएंगे, पानी की तरह फ्लो कराएंगे फ्लो चार्ट को बेटा आपके लिए. तो हमने नेक्स्ट स्टेप लिखा सम इक्वल टू सम. सर टेबल भी बना दो बेटा, ये रही टेबल आपके लिए. दिस इज सम एंड दिस इज नंबर. द स्टार्टिंग वैल्यू इज 0 and 1. वी विल राइट 0 and 1. आफ्टर दिस वी हैव स्टेप सम इक्वल टू सम प्लस नंबर इंटू नंबर. नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज 0, दिस इज 1 इंटू 1. सो दिस विल बिकम 1 इंटू
इंटू वन दैट इज वन, वन इंटू वन वन ही होता है, लेकिन बेटा यहां पे क्या लिखेंगे सम में, वन स्क्वायर लिख देंगे उसको या वन ही लिखो कोई बात नहीं, वन स्क्वायर लिखो या वन लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, दोनों को लिख सकते बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आ रही बात सबको समझ में बेटा, आ रही बात सबको समझ में? चलिए फिर क्या करेंगे, हमारा लास्ट स्टेप क्या है, स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, इफ नंबर इक्वल टू 99 देन प्रिंट सम एंड स्टॉप। अब 99 क्यों हुआ, क्योंकि हम ये 99 जाएंगे बेटा, हम यहाँ पे केवल 99 जाएंगे और यहाँ पे उसको दो बार मल्टीप्लाई करके 99 इंटू 99 बनाएंगे। सो वी विल गो टू दिस स्टेप ओनली, वी विल गो टू दिस स्टेप ओनली, जब उसको दो बार यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 99 इंटू 99 बनाएगा, तो आपकी स्टॉपिंग कंडीशन 99 होगी। ध्यान रखें इसको कोई भी इसको 99 स्क्वायर नहीं लिखेगा, दैट विल बी रॉन्ग। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज ओनली 99, इट इज नॉट 99 स्क्वायर, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग इट टू टाइम्स एंड दिस इज बिकमिंग स्क्वायर, तो यहां पे वो स्क्वायर नहीं होगा, यहां पे केवल 99 होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टेल मी थ्रू रिएक्शंस और इन द चैट बॉक्स। श्रावणी सेज यस, श्रद्धा सेज यस, बबलू से यस सर, प्रियांशी से यस सर, ओके। सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट वेरी करेक्टली, 99 स्क्वायर नहीं होगा। देन क्या करेंगे अपन बेटा, क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट कर देंगे, वी विल प्रिंट द सम एंड स्टॉप। अगर ऐसा नहीं होता है व्हाट वी विल डू, वी विल मेक द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नंबर इक्वल टू नंबर प्लस टू, एक से तीन बनाना है, तीन से पांच बनाना है, पांच से सात बनाना है, कॉमन डिफरेंस दो का है। सर यहां पे यही क्यों लिखा बेटा, हमें दो से एडवांस करना है और उसको यहां दो बार मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाना है, यहां पे हमारे को दो से एडवांस करके अगला नंबर बनाना है और यहां पे ऊपर आते ही उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बनाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दो स्टेप बेटा बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस एल्गो के, ये दो स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है एल्गो के, यहां गलती नहीं चाहिए हमें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो एवरीवन इज गेटिंग इट, प्रियांशी हैज गॉट इट, श्रावणी सेज यस, व्हाट अबाउट जयेश, पूनम, अमृत, क्रांति, बबलू, एरनस, सभी बता दे बेटा। सो ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। नाउ गो टू फोर, नाउ व्हाट विल हैपन टू द टेबल, जब एक बार में हम नीचे आएंगे नंबर में दो जोड़ेंगे तो बेटा नंबर में एक से हो जाएगा, दो जुड़ के तीन, नंबर विल बिकम थ्री। नाउ व्हाट विल हैपन, हम गो टू फोर करेंगे, देन सम हो जाएगा, दैट इज वन स्क्वायर, एंड इट विल बी नंबर इंटू नंबर, दैट इज थ्री इंटू थ्री, थ्री स्क्वायर, सो इट विल बी रिटन एज वन स्क्वायर और वन एंड थ्री स्क्वायर। दिस इज द सेकंड स्टेप, टू मोर स्टेप्स टू गो, चार स्टेप तक बनाना है हमें। नंबर 99 नहीं है, नंबर में दो और ऐड करो, इट विल बिकम फाइव। नाउ वी गो टू स्टेप नंबर फोर वंस अगेन, सम है हमारा वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर, इट इज बिंग रिटन हेयर। नेक्स्ट स्टेप इज फाइव इंटू फाइव, सो इट विल बी रिटन एज फाइव स्क्वायर, थर्ड स्टेप इज करेक्ट। नाउ गो टू द फोर्थ स्टेप, नंबर में दो और जोड़ो, इट विल बिकम सेवन, नंबर में दो और जोड़ो, इट विल बिकम सेवन। नाउ गो टू स्टेप नंबर फोर, सम में ऑलरेडी चल रहा है वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर एंड नाउ सेवन स्क्वायर हो जाएगा, चार स्टेप तक ये ठीक आता है, तो हम मानते हैं हमारा एल्गो इज करेक्ट, सो आर टेबल इज कमिंग करेक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ वी हैव टू मेक द फ्लो चार्ट ओनली। सो आई एम पुटिंग दिस फ्लो चार्ट, दिस एल्गोरिथम बिफोर यू, टेक वन और टू मिनट्स टू अंडरस्टैंड इट, to grab it and to make your mind very clear about this algorithm, table and analysis. Now, in coming one or two minutes, we are making the flow chart. Shall we move ahead?
चलें आगे से, शल वी मूव अहेड। ऑल ऑफ यू हैव नोटेड इट, यू हैव मेड इट। श्रावणी सेज यस, श्रद्धा सेज यस, व्हाट अबाउट अदर्स? शल वी मूव अहेड? चलें बनाएं फ्लो चार्ट हम लोग। चलिए बनाते हैं इसका फ्लो चार्ट। राजा सेज यस सर, ओके, सो हियर इज द फ्लो चार्ट फॉर यू। केवल आपके सामने एल्गोरिथम रखें, देन वी विल मेक द फ्लो चार्ट वेरी इजीली। द फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, द सेकंड स्टेप इज CAWL, द थर्ड स्टेप इज सम इक्वल टू 0 एंड नंबर इक्वल टू 1, द फोर्थ स्टेप इज सम इक्वल टू सम प्लस नंबर इनटू नंबर, दैट इज अगेन इन द प्रोसेसिंग स्टेप। इट विल बी इन रेक्टेंगल, इट विल बी इन द रेक्टेंगल, देन इफ नंबर इक्वल टू 99 इट विल बी इन द डायमंड बॉक्स, यस, देन वी हैव अ प्रिंट सिंबल, प्रिंट द सम एंड एंड। स्टॉप की जगह आप सब लोग लिखे एंड, हियर इट विल बी एंड। स्टॉप हटा दे बेटा, अब स्टॉप में काम नहीं होता है, अब स्टॉप में काम नहीं होता है, अब स्टॉप में काम नहीं होता है। क्या लिखना पड़ेगा बेटा हमें, क्या लिखना पड़ेगा हमें, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे एंड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें एंड, ओके। नाउ इफ दिस सेज नो, नंबर इक्वल नंबर प्लस 2 एंड इट विल कम टू गो टू स्टेप नंबर 4, सो दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर यू, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर यू। हैव यू got this flow chart correctly? Have you got this flow chart correctly? Priyanshi कहती है मैंने बना लिया, श्रावणी कहती है बना लिया, श्रद्धा कहती है बना लिया। What about Arunas, Bablu, Kranti, Raja Ali and others who are present in the class? What others to say? क्या कहते हैं बच्चा लोग आप, क्या कहते हैं आप लोग? Arunas says made it, बना लिया हमने। Okay, so everybody has made it, everybody has made it। तो बेटा क्या है मैथमेटिकल फ्लो चार्ट, क्या है? आपको सवाल दिया जाएगा, आपको उसे दो बार कम से कम पढ़ना है, दो बार पढ़ेंगे आप कम से कम, एग्जाम में भी कम से कम दो बार पढ़ेंगे। यू हैव टू रीड इट केयरफुली टू टाइम्स, यू हैव टू रीड इट केयरफुली एटलीस्ट फॉर टू टाइम्स, उसके बाद उसका लिखे एनालिसिस, और एनालिसिस भी लिखने के बाद एक बार फिर से समझें क्या जो हमें सवाल दिया गया है उसका ठीक एनालिसिस लिखा है, क्योंकि यहां आपने गलती कर दी तो आगे सब गलती करेंगे। सो यू हैव टू मेक केयरफुली द एनालिसिस पार्ट। वंस यू मेक द एनालिसिस, अगेन कंपेयर दिस एनालिसिस विद योर क्वेश्चन, whether you have represented correctly in the analysis part or it has something else which has been asked and you are making something else. If you do in this way, then your entire analysis and entire algorithm, entire table, entire flowchart will go in vain. बेकार चला जाएगा, खराब हो जाएगा, समय वेस्ट करोगे। तो आपको एटलीस्ट दो बार सवाल पे ध्यान देना है, दो बार एनालिसिस पे ध्यान देना, उसके बाद एल्गोरिथम लिख लो, टेबल बना लो, टेबल चार स्टेप तक ठीक बननी चाहिए, अगर वो ठीक बनती है फिर एक मिनट लगेगा फ्लो चार्ट बनाने में। क्या आपको समझ में आ गया? बबलू सेज 100% अंडरस्टूड एंड मेड इट करेक्टली, और राजा कह रहे डन डना डन डन कर दिया हमने तो, एरनेस कहते हैं मैंने भी बना दिया, तो सभी बच्चों को समझ में आ गया व्हाट इज फ्लो चार्ट। इतना ही तो आसान है फ्लो चार्ट, है ना? चलो मुझे एक बात बताएं, सारे बच्चे जो बैठे हैं मुझे एक बात बताएं, इस क्लास को बत्रा सर की फ्लोचार्ट की सीक्वेंस को कॉपी किताब ज्वाइन करने से पहले व्हाट यू वर थिंकिंग अबाउट द फ्लोचार्ट, टेल मी, बड़े स्पष्ट शब्दों में जो भी आपके मन में था बताना, या जो आपने सीनियर से सुना था वो मुझे बताना। व्हाट वाज योर थिंकिंग अबाउट द फ्लोचार्ट बिफोर ज्वाइनिंग आर क्लासेस ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, व्हाट वाज योर थिंकिंग? राजा कह रहा था आई वाज गोन टू लीव ऑन द चॉइस, मैं इसे छोड़ने जा रहा था, बट नॉट नाउ राजा यू विल अटेंड, आई थिंक नाउ यू विल अटेंड, आंसर माई क्वेश्चन राजा, आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड वेल, नाउ यू आर गोइंग टू अटेंड दिस क्वेश्चन, टेल मी राजा। श्योर, राजा सेज यस सर, नाउ आई विल कंप्लीटली एग्री विद यू पर सर, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन। व्हाट अबाउट श्रद्धा, श्रद्धा क्या कहती है? सर आई हर्ड अबाउट, इट इज डिफिकल्ट एंड आई टू फाइंड इट डिफिकल्ट, बट नाउ इट इज ईजी। तो बेटा बत्रा सर की तो खासियत यही है, हर डिफिकल्ट चीज को आसान बनाने का नाम है बत्रा सर। श्रद्धा मुझे जानती है बेटा, श्रद्धा अच्छे से जानती है, बत्रा सर का काम है मुश्किल चीजों को आसान कर देना, एंड दैट्स व्हाई आई डू इन द लास्ट 31 years and 62 CA exam attempt, I am doing like this. बहुत आसान हो जाता है बेटा, अगर आप अच्छे से सीख लेते हैं then it is very easy. What Bablu said, I do not know how to prepare, but today I learned. Very good बेटा, ये spirit होनी चाहिए, that is the spirit.
श्रद्धा सेड यस सर 100%. श्रावणी सेड नो वन सेड इट प्रॉपरली एंड यू मेड इट वेरी इजी. एग्जैक्टली बेटा, फ्लो चार्ट इज वेरी इजी. सिस्टमेटिक तरीके से काम होना चाहिए. फ्लो चार्ट को अगर सिस्टमेटिक सीखा जाए, जैसे मैं सिखा रहा हूँ बेटा आपको, है ना, तो बहुत ईजी है. और अगर इसको घुमा फिरा के किया जाए तो इतना मुश्किल है बेटा, समझ में ही नहीं आता किसी को, है ना. तो आसानी से सीखा जा सकता है और आपने बत्रा सर की क्लासेस में देखा भी. एक और सवाल करोगे क्या? एक सवाल करोगे क्या अभी दे दूं? होमवर्क दे देता हूं, है ना, होमवर्क दे देता हूं. अगली क्लास में आना मुझे बताना. लइए, मुझसे सवाल लीजिए. अच्छा, ये तो करवा दिया. मल्टीप्लाई ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स तो हो गया बेटा, मल्टीप्लाई तो हो गया ना बेटा. ओके, मल्टीप्लाई तो हो गया. चलिए आगे चलते हैं. अगला सवाल. चलिए बेटा, ये सवाल करके लाइए. एनालिसिस भी मैं बता रहा हूँ आपको. ये सवाल लिखिए बेटा. ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट. नेक्स्ट टर्न पर जब हम आएंगे, मैं इसका आपको सॉल्यूशन स्क्रीन पे बताऊंगा. आप उसको कंपैरिजन करके चेक कर लेना एंड देन वी विल से आपने फ्लो चार्ट कितना सीखा है. सो योर क्वेश्चन इज, ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई क्यूब्स ऑफ, क्यूब्स मतलब तीन टाइम मल्टीप्लाई करना, थ्री टाइम्स, क्यूब्स मतलब थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर. क्वेश्चन इज, ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई द क्यूब्स ऑफ, थ्री टाइम मल्टीप्लाई करना है ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स एंड योर एनालिसिस विल बी MUL इक्वल टू टू क्यूब इंटू 4 क्यूब इंटू 6 क्यूब इंटू 100 क्यूब. बात आई क्या सबको समझ में? Are you getting my point very clearly? सभी लोग बताएं मुझे. श्रद्धा says this time I will not do wrong, sir. I am proud of you, बेटा. जल्दी से catch up करें सभी. I am very proud of you. एरनेस से मैं भी बिल्कुल ठीक करूंगा. श्रावणी सेज यस. क्रांति सेज यस. सो सभी को सवाल समझ में आ गया. व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, ड्रॉ द प्रोग्राम फ्लो चार्ट टू मल्टीप्लाई क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर एंड द एनालिसिस इज MUL इक्वल टू 2 क्यूब 4 क्यूब 6 क्यूब एंड 100 क्यूब. पता चल गया सभी को? ठीक लिख लिया सबने? क्या करना है आपको? फर्स्ट यू विल राइट द एल्गोरिथम पार्ट, देन यू विल मेक द टेबल. इफ टेबल कम्स आउट टू बी करेक्ट एट 4 स्टेप्स, देन यू विल बी मेकिंग द फ्लो चार्ट ओनली. अदरवाइज आप अपने एल्गोरिथम से अपने टेबल को करेक्ट करना, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता आपको फ्लो चार्ट नहीं बनाना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आता की सबको समझ में बेटा? चलिए अब एक छोटा सा आपको टूर करवा देते बेटा, आपको बत्रा सर के ऐप का. वी आर मेकिंग ए स्मॉल टूर ऑफ बत्रा सर ऐप बेटा. वी आर मेकिंग ए स्मॉल टूर ऑफ बत्रा सर ऐप फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. सभी बच्चों के लिए हम एक छोटा सा बत्रा सर का टूर करने जा रहे हैं बेटा. ये देखें बत्रा सर के ऐप को, क्या क्या खूबियां है बेटा इसमें. इनिशियल स्क्रीन ऊपर CSCPT लिखा है, इसको फाउंडेशन माने बेटा, इसको फाउंडेशन माने. देन वी हैव फ्री रिसोर्सेज ऑफ बत्रा सर. क्या क्या मिलता है बेटा फ्री रिसोर्सेज में आपको? देखो आपको मिल रहा है फाइनल की इसका बुक, देन आपको मिल रहा है अमेंडमेंट नोट, उसके बाद मिल रहा है आपको ITSM इन हिंदी, ITSM इन इंग्लिश. मैं किसी एक चीज को खोल लूं बेटा, हिंदी के ITSM को खोल देता हूं बेटा मैं आपके सामने. ये देखिए ई बुक आपके सामने, बहुत अच्छा बनाया बेटा कॉपी किताब ने. नाइट विजन है इसमें, बुक मार्क कर सकते हैं इसको. सो हियर इज आर हिंदी नोट्स ऑफ ITSM फॉर यू. अपने साथ जितने बच्चे बेटा ओल्ड कोर्स के उनको बताइए बेटा, बहुत अच्छा ऐप है और फ्री रिसोर्स में बहुत सारी चीजें आपके लिए रखी है, आप उन्हें यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं बेटा. तो ये रहा समरी नोट्स, आप देख सकते हैं बेटा, स्क्रॉल करते चले जाएंगे, डिफरेंट पेजेस आपके सामने अपियर होंगे बेटा, कंप्लीटली इन हिंदी. आप उसको जूम बाबा कर सकते हैं बेटा, इसको जूम बाबा करके देख सकते हैं इसको. तो जूम कर सकते हैं, बुक मार्क लगा सकते हैं, नाइट विजन में पढ़ सकते हैं, ये फैसिलिटी आपको देता है बेटा. अच्छा, अब आप बाकी चीजें कहाँ पाएंगे बेटा? नीचे आप देख रहे होंगे, ऊपर तो था CSCPT फ्री रिसोर्सेज और अदर्स, और नीचे आपको मिल रहा है बेटा ई बुक्स, स्टडी पैकेजेस, टेस्ट प्रिपरेशन वीडियोस एंड स्टोर. आप चले जाएं स्टोर में, जब आप जाएंगे बेटा तो सेल लगी हुई हमारे पास में बेटा यहाँ पे. कॉपी किताब पे हमने बहुत सारी चीजों पे सेल लगा रखी है. आप देख रहे हैं CA फाउंडेशन अदर्स दिखा रखा है. आप अदर्स में चले जाएं बेटा, अदर्स में स्क्रॉल करके नीचे आना पड़ेगा आपको. जैसे ही अदर्स में स्क्रॉल करके नीचे आओगे बेटा, आपको यहाँ पे बत्रा सर नजर आएंगे. नीचे देख रहे होंगे आप बेटा, बत्रा सर नजर आ रहे हैं आपको, चार्टर्ड अकाउंटेंट में बत्रा सर नजर आ रहे होंगे आपको बेटा.
चार्टर्ड अकाउंटेंट में आपको बत्रा सर नजर आ रहे होंगे बेटा, तो ये रहे बत्रा सर। आपको पहला ऑप्शन है ऑल, जिसमें बत्रा सर की सारी चीजें क्लब की गई है। देन वी हैव ई बुक्स, यहाँ पे सारी ई बुक्स नजर आएंगे बेटा, आप देख रहे हो। यहाँ पे आपको समरी नोट्स निकाल रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, इसका की बुक, अमेंडमेंट नोट, आपको आईटी ओल्ड कोर्स के नोट्स, आईटी हिंदी में नोट्स, आईटी एसएम की क्वेश्चन बैंक, फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट न्यू कोर्स, फिर चार्ट बुक हमारी, उसके बाद फ्लो चार्ट जो मैंने कहा था बेटा, इट इज अवेलेबल एट 70 रुपीज ओनली, यू कैन परचेज फ्रॉम हियर। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, उसके बाद ईआईएस, उसके बाद बेटा क्वेश्चन बैंक ऑफ न्यू कोर्स, उसके बाद आप देखिए हमारे बहुत सारे वीडियो पड़े बेटा, हमारे सारे ऑफलाइन वीडियो पड़े हमारी क्लासेस के, ओल्ड कोर्स एज वेल एज न्यू कोर्स सारे पड़े एट ए प्राइस ऑफ बेटा 71 रुपीज। ये कभी नहीं हुआ बेटा हिंदुस्तान के चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इतिहास में, कभी नहीं हुआ बेटा। इंडिविजुअल लेक्चर तक अवेलेबल है। आपको एक लेक्चर में प्रॉब्लम है वो देखो, आपको एक चैप्टर में दिक्कत है, सपोज 70 रुपीज का एक लेक्चर है और एक चैप्टर में 5 लेक्चर है, तो कितना कॉस्ट रहा बेटा, 17 × 5 350 रुपीज ओनली, 350 रुपए में आपका पूरा एक चैप्टर हो जाता है। तो बेटा जहां दिक्कत आती है यू कैन हैव इट। और उसके बाद बेटा बहुत सारी टेस्ट प्रिपरेशन आप देख रहे हो, ये टेस्ट प्रिपरेशन यहाँ अवेलेबल है हमारे पास, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ओल्ड कोर्स, आईटी ऑफ ओल्ड कोर्स, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ न्यू कोर्स एंड ईआईएस ऑफ न्यू कोर्स। और बेटा इसमें से काफी चीजें हमने फ्री रिसोर्स के तौर पर भी दे रखी है, जहां पे आप बेटा फ्री ऑफ रिसोर्स के तौर पर क्वेश्चन पेपर को अटेंड कर सकते हैं। इसके लिए आपके कोई पैसे नहीं खर्च होने वाले बेटा। तो अपनी तैयारियों को जांचने के लिए, अपनी तैयारियों को जांचने के लिए आप आ जाए बेटा हमारी फ्री टेस्ट सीरीज के ऊपर, फ्री टेस्ट सीरीज के ऊपर आ जाए बेटा। ये रही फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए, ये रही फ्री टेस्ट सीरीज बेटा आपके लिए, फ्री रिसोर्सेज आपके लिए, ये रहे टेस्ट पेपर्स फ्री आपके लिए बेटा। ये देखो 13 टेस्ट पेपर्स आर फ्री। मैं कोई एक ले लेता हूँ बेटा, पिछली बार मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिया था, इस बार ईआईएस का ले रहा हूँ बेटा, मैं इस बार ईआईएस का ले रहा हूँ। दिस इज द टेस्ट फॉर यू। बकायदे इंस्ट्रक्शंस आते हैं जैसे आप किसी ऑनलाइन सीरीज को देते बेटा, राइट रॉन्ग क्वेश्चंस को बताएंगे। मैं क्विज को स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, क्विज स्टार्ट होता है आपके लिए। बेहतर टेस्ट स्टार्ट करें, बिल्कुल करें था। पहला सवाल आपके सामने, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू। Which of these is a systematic approach to improve the set of activity that would accomplish a specific organization goal? क्या कहते हैं इसको? First answer is enterprise portfolio management, business process management, enterprise risk management, enterprise information system. The correct answer is 4. मैंने लगा दिया चौथे पे निशान। Next question करता हूँ। पीछे 3 बटन आ रहे हैं। Previous, complete the quiz और next। मैं next करता हूँ बेटा। अगला सवाल आ जाता है। Sequence बतानी है मेरे को। मैं randomly चुन रहा हूँ बेटा। इसका सही answer suppose 3 है। गलत भी हो सकता है। मैंने पढ़ा नहीं है। इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। सवाल आप पढ़ते जाएंगे और आप बेटा क्या करते जाएंगे? आंसर देते चले जाएंगे। जैसे थर्ड क्वेश्चन आ गया। Which is the risk that could prevent organization from operating in most efficient and manner? ठीक है? तो इस तरीके से एक-एक सवाल का जवाब देते चले जाएंगे। जब आप क्विज को कंप्लीट करेंगे बेटा, तो ये आपको पूरा रिजल्ट एनालाइज करके दे देगा। जैसे मुझे बता रहा है टोटल जो है मार्क्स थे इसके 72, लेकिन हमने इसमें से अटेंड किए केवल कितने क्वेश्चन? केवल 2, और 2 के हिसाब से बेटा इसने हमें रिजल्ट दे दिया। बात आई क्या सबको समझ में बेटा? बात आई क्या सबको समझ में? सो दिस इज द वे आर क्विज ऑपरेट्स। सो दिस वॉज द टूर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस फ्लो चार्ट सीरीज। मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे और सैटरडे को विथ सम अदर क्वेश्चंस ऑफ द फ्लो चार्ट। तो बेटा इस क्लास के बाद ये सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल प्रोफेसर जेएस बत्रा आईटीएसएम और एएसएसएम गुरु में। और मेरा आप सभी से बच्चा कहना है स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। और आपको अगर हमारी क्लासेस पसंद आती है तो बेटा इनको शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। थैंक यू वेरी मच बेटा।